नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है SSC फेस 10 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अपना एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है, एग्ज़ाम सिटी कहाँ है, कैसे को देखना है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को दूंगा, जिन्होंने भी अभी SSC सिलेक्शन पोस्ट यानी फेस 10 का क्या किया है, वैकेंसी में अप्लाई किया है, तो उन लोगों को एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बता दें। तो सबसे पहले फाइनली आपको दोस्तों एक गूगल ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ssc.nic.in इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, 3-डॉट लाइन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड वाला सेक्शन, और आप यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, फाइनली दोस्तों आप साउथर्न रीजन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही साउथर्न रीजन पे क्लिक कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस, ये देखिए आप देख सकते हैं, रीजनल ऑफिसर्स सिलेक्शन पोस्ट, डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। अभी मैं बात कर दूँ, अभी सभी रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया, अभी कुछ ही रीजनों का है, तो आप जब भी दूसरे अन्य रीज़न का स्टेटस आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस आता है, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। ठीक है, आपको सही और सटीक जानकारी देता हूँ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो हम जैसे ही नो योर स्टेटस पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी प्रीवियस वैकेंसी में क्या था, MTS का एग्ज़ाम अभी चल रहे थे, ठीक है, तो ये उसका स्टेटस दिखा रहा है जो फर्स्ट पे है। ठीक है, दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है X/2022 सिलेक्शन पोस्ट, नो द एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले हम मैट्रिकुलेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फाइनली दोस्तों अब जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर खो रखा है, उन्हें पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन और भी आता है, और ये देखिए ID नंबर, जो एप्लीकेशन ID नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया क्या है, नीचे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ आपका, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपका, और यहाँ अपना क्या भर दोगे, डेट ऑफ बर्थ क्या भरेंगे, जन्मतिथि, दिन, मंथ और ईयर, और वैसे आप इस पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ऐसे आपको चेक करना होगा अपना। ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बताया, ठीक है, तो सभी बच्चे जो क्या है सिलेक्शन पोस्ट में फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हैं, उन सभी लोगों के लिए आई होप ये वीडियो अच्छा रहा होगा। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, या अन्य रीज़न के, आपके NR रीज़न, ठीक है, WR रीज़न के, ठीक है, वेस्टर्न रीज़न, NR रीज़न और ईस्टर्न रीज़न के, जैसे ही आता है एप्लीकेशन स्टेटस, तो मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।